Hello everybody, this is engineer Rahul Patil. Welcome to Split Corner. इस वीडियो में हम एक नया हाउस प्लान बनाने वाले हैं। तो आते हैं अपने हाउस प्लान पे। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हाउस प्लान ड्रॉ करके रखा है। ये जो है हाउस प्लान है, तो ये है 4 BHK। अब मैं यहाँ पे 4 BHK किस तरीके से आप अपने गांव में या शहर में बना सकते हैं, तो इसके लिए मैं चल रहा हूँ दिखाने। तो देखिए, मैं जो पिंक कलर से वॉल दिखाने वाला हूँ वो है अपनी आउटर वॉल। जो आउटर वॉल जो रहती है, आउटर वॉल देखिए, ये जो है आउटर वॉल है। तो ये आउटर वॉल 9 इंच की रहती है। तो ये 9 इंच की वॉल मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। तो आप इसको देख लीजिए, ये देखिए जो आउटर वॉल है। अब आउटर वॉल देख सकते हैं कि किस तरीके से आउटर वॉल है। तो देखिए, ये आउटर वॉल इस तरीके से आप अपने गांव या शहर में बना सकते हैं। ये आउटर वॉल अभी भी मैं बता देता हूँ। आउटर वॉल ज़्यादातर घरों में 9 इंच की होती है, 9 इंच की होती है। तो 9 इंच की आउटर वॉल रहनी चाहिए ताकि अपनी जो ये सभी आउटर वॉल। अब देखिए, मैं आउटर वॉल जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। जो कोई अपनी दीवार रहती है इसको हम आउटर वॉल कहते हैं। तो ये आउटर वॉल यहाँ पे मैंने सभी डायमेंशन में दिखा दिए हैं। और ये बहुत बड़ा प्लान है जो आपने आप ज़्यादा से ज़्यादा घरों में हो सकता है कि ये ना, ये जो 4 BHK है, कम से कम आप घर में रहता है 4 BHK। जो 4 BHK बहुत ही बड़ा प्लान है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा प्लान बनाने को, लेकिन बन जाएगा तब बहुत अच्छा लगेगा कि ये प्लान बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए, हमने जो आउटर वॉल है तो वो ड्रॉ कर लिए है। तो ये आउटर वॉल आप अपने गांव या शहर में बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने आउटर वॉल बना दिए है। तो आउटर वॉल में अभी और बार एक बार बता देता हूँ कि आउटर वॉल 9 इंच की होती है। तो 9 इंच की जो वॉल होती है वो ज़्यादातर घरों में 9 इंच की आउटर वॉल 9 इंच की रहती है, लेकिन जो इनर वॉल रहती है तो वो इनर वॉल जो रहती है वो कम इंच की रहती है, वो रहती है 4 इंच की। तो देखिए, मैं यहाँ पे 4 इंच की जो वॉल है तो इसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ। जो ये देखो, ये 4 इंच की वॉल है। ये देखो, ये ज़्यादातर टॉयलेट और बाथरूम के लिए 4 इंच की वॉल दी जाती है। तो ये देखिए, 4 इंच की जो वॉल है मैंने यहाँ पे 4 इंच की वॉल दिखा दी है। तो 4 इंच की जो वॉल हो गई है, तो उसके बाद मैं दिखाऊंगा विंडोज़। अब विंडोज़ है तो ये देखो, यहाँ पे मैंने विंडो के लिए कुछ जगह छोड़ के रखी है। ये देखो, एक विंडो हो गई, ये यहाँ पे एक विंडो हो गई, ये विंडो हो गई। और कभी कभी अपने को जो बेडरूम रहता है उसके लिए विंडो ज़्यादा छोड़ देनी होती है। तो ये भी विंडो। तो देखो, तो इस तरीके से हम विंडो दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे एक विंडो रहेगी है।
यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए जो टॉयलेट और बाथरूम के लिए वेंटिलेशन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो उसके लिए हम वेंटिलेशन दे सकते हैं। इस तरीके से हम कहीं पर भी नहीं दे सकते, वेंटिलेशन जहाँ पे चाहिए वहीं पर दे सकते हैं, तो ताकि अपने जो टॉयलेट की जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको बाहर निकलने को जगह मिले। इसके वजह से हम वहाँ पे वेंटिलेशन देते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि मैंने यहाँ पे स्टेयर किस दिखाई है, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, 1, 2, 3, ये 3 स्टेप है जो एंट्रेंस के लिए, अपने यहाँ से अपना एंट्रेंस होगा, तो इसके वजह से यहाँ पे 3 स्टेप दिए। तो ये जो 3 स्टेप है तो यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो उसके बाद मैं दिखाऊंगा ये जो स्टेयर केज है, अब ये देखिए ये यहाँ पे स्टेयर केज है, ये कुछ स्टेयर केज है, ये ऐसे जाके यहाँ से अप होगा और यहाँ से डाउन होगा, डाउन, तो यहाँ से हम जा सकते हैं। यहाँ पे लैंडिंग भी दी है, लैंडिंग पर 2 जो स्टेप रह सकते हैं, तो किसी के भी घर में ये अपने अपने अनुसार आप ले सकते हैं, ताकि अपने को जो सेकंड फ्लोर है और उस पर जाने को आसानी हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने गांव या शहर में बना सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो रहते 4 BHK के वो गांव में नहीं रहते, तो वो शहरों में रहते हैं। तो आप अगर बहुत ही अच्छा लगता होगा तो आप अपने गांव में भी बना सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार एक साथ रह सकता है। तो उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने ये प्लान के जो डायमेंशन है मैं अब दिखाने जा रहा हूँ। तो आप देखिए ये जो है फर्स्ट बेडरूम, अब ये बेडरूम है। तो ये बेडरूम की साइज़ क्या है मैं दिखा देता हूँ। ये ऐसा 10 फीट है और ऐसा 10 फीट है, मतलब 10 फीट बाय 10 फीट, ओके। तो ऐसे इस तरीके से हम 10 बाय 10 फीट का जो रूम है वो बना सकते हैं। तो उसके बाद मैं अब और दिखाता हूँ। अब देखिए मैं सबसे पहले बेडरूम ही दिखा रहा हूँ। तो बेडरूम देखिए, ये बेडरूम, ये भी एक बेडरूम है, वो उसकी भी साइज 10 फीट बाय 10 फीट, मतलब 10 फीट ऐसा, 10 फीट ऐसा, 10 फीट, और ये भी एक बेडरूम है। मैंने बोला था कि 4 BHK किस तरीके से, तो ये देखिए 4 BHK ऐसे है, 10 फीट बाय 10 फीट। तो ऐसे इस तरीके से हम 10 बाय 10 के बेडरूम बना सकते हैं आसानी से, 10 फीट बाय 10 फीट। तो ऐसा हो गया। तो उसके बाद में हमने ये तो दिखा दिया कि किस तरीके से प्लान में 4 बेडरूम है, इसके वजह से हमने 4 बेडरूम बोल सकते हैं। तो अब देखिए मैं अब यहाँ पे एंट्रेंस के लिए हमने बेडरूम तो दिखा दिए, लेकिन बेडरूम के लिए जाने तक जो डोर चाहिए वो डोर दिखा रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ डोर, यहाँ पे इसका पैनल आया जाएगा और इसका जो ओपनिंग रहेगा ऐसा इस तरीके से रहेगा। तो अपना ये डोर 1, ये ज़्यादा जो एंट्रेंस के लिए होता है डोर तो वो बड़ा होता है, इसके लिए हम डी देंगे। तो जो बेडरूम के लिए डोर रहते हैं वो छोटे होते हैं, तो इसका ओपनिंग इस साइड से होगा, देखिए, तो ऐसा इसका ओपनिंग हो जाएगा, तो ये D1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो लॉबी है इसको हम ओपन ही रखेंगे, यहाँ पे ओपनिंग रहेंगे, मतलब ओ, मतलब यहाँ से कोई दरवाजा नहीं रहेगा लेकिन ऐसा ओपन रहेगा, ताकि हम यहाँ से इधर जा सके, इधर जा सके, इधर जा सके, हमको चारों साइड से ऑप्शन मिल जाएगा कि किस तरह जाना है, किस तरह को नहीं जाना है। तो ये जो दूसरा बेडरूम है, तो इसमें भी एक जो डोर है तो ये साइड से खुलेगा, तो ऐसे इसके वजह से ये आसानी हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अपना कवर हो जाएगा, तो इसको भी D1 देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे भी, अब यहाँ पे मैंने एक कॉलम नहीं दिया, ये कॉलम रहेगा, यहाँ पे हम कॉलम दे सकते हैं, तो ताकि ये जो लेवल है सेम आ जाए। तो इसका ओपनिंग जो है, तो इसका ओपनिंग इस डायरेक्शन से होगा, तो ये D1 होगा,
अब यहाँ पे हम किचन जो है, तो किचन के लिए हम ज़्यादातर किसी के घर में किचन के लिए डोर नहीं होता। अगर आपको डोर देना होगा तो यहाँ ऐसे इस तरीके से ओपनिंग रख सकते हैं, मतलब डोर की ओपन ऐसा हो सकता है लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ ओपन ही रखा है, तो यहाँ पे मैंने वो दे दिया है। तो ये जो किचन है, अब यहाँ पे हम फोर्थ बेडरूम देखेंगे, जहाँ पे जिसका डोर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। देखिए ये डोर वन, अब ये तो डोर हो गए। तब मैं उसके बाद मैं दिखाने जा रहा हूँ किचन। अब ये देखिए किचन है, किचन। अब किचन को जो डायमेंशन है वो 6 फीट 7 इंच ऐसा है, बाय 8 फीट 5 इंच लंबाई है, और इसकी इस तरीके से ये है। तो उसके बाद मैं दिखाने जा रहा हूँ ये लॉबी है यहाँ पे, ये लॉबी मैंने यहाँ पे ली है 8 फीट 6 इंच बाय 10 फीट। तो देखिए ये 10 फीट कैसा है, अब देखिए 8 फीट 6 इंच ऐसा है और 10 फीट ऐसा है। तो इस तरीके से ये लॉबी अपनी तैयार लॉबी हो गई है। तो लॉबी उसके बाद मैं दिखाने जा रहा हूँ ये जो स्पेस है, तो ये हम एज अ किचन हॉल या हॉल की तरह अपन यूज़ कर सकते हैं, तो ये हम हॉल भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका जो डायमेंशन है, जो अपन ये प्लान बनाएंगे उसके बाद जो कहीं अपनी स्पेस बच जाएंगी उसको हम वॉल बोल सकते कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्लान है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे टॉयलेट दिखाने जा रहा हूँ, ये टॉयलेट की साइज जो है ये 4 फीट 4 फीट बाय 6 फीट 7 इंच। अब 4 फीट ऐसा है, 6 फीट ऐसा है। इसी तरीके से ये टॉयलेट जो है इसका भी डायमेंशन सेम वैसे ही है। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये दिखा दिया है कि किस तरीके से हमारा प्लान आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे कुछ जो डोर रह गए हैं, अब यहाँ पे किचन के लिए ओपनिंग हो जाएंगी, यहाँ पे लॉबी के लिए भी ओपनिंग होगी, लेकिन हमारे यहाँ पे जो टॉयलेट है उसके लिए छोटे डोर रहेंगे। तो इसको इस तरीके से ओपनिंग रह जाएंगी, इसको D2, ताकि अपना D2 का डोर जो रहता है उससे छोटा रहता है, मतलब बेड के डोर से ज़रा छोटा रहेगा। तो यहाँ पे D2, अब ये तो हो गया डोर के लिए। अब हम जरा जो विंडो दी है उसके भी नोटिफिकेशन दे देंगे। ये विंडो है, यहाँ पे भी एक विंडो है, ये किचन के लिए एक विंडो देना ही पड़ता है। तो ये एक किचन की विंडो है और ये एक बेडरूम की विंडो है, यहाँ पे भी एक विंडो है और यहाँ पर भी एक विंडो है, ये विंडो। और ये यहाँ पे वेंटिलेशन मैंने बोला था, ये वेंटिलेशन आपको पता होगा तो किस लिए यूज़ किया जाता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, आपको अगर पता होगा तो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे विंडो दिखा दिया है। तो ये जो डायमेंशन हो गया, अब मैं दिखाने जा रहा हूँ ये कितने फीट का हो गया। ये देखो 10 फीट बाय 10 ऐसा, ये अप्रोक्सीमेटली 30 फीट का हो गया है, ये 30 फीट का हो गया है, और ये भी अप्रोक्सीमेटली 30 फीट का है। तो अप्रोक्सीमेटली 30 बाय 30, मतलब ये अपना प्लान जो है वो 30 बाय 30 फीट का प्लान है, मतलब 900 स्क्वायर फीट का ये प्लान है, 900 स्क्वायर फीट का ये अपना प्लान है। तो इस तरीके से ये प्लान है। तो इसमें मैं अब डायरेक्शन दिखाने जा रहा हूँ। तो ये जो डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे, और जो अपना ईस्ट इधर और वेस्ट इधर, ईस्ट वेस्ट, और ये साउथ में ये है। तो इसी प्रकार से हमारा प्लान ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होगा तो आस्क मी, फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। इसी प्रकार से आज का ये वीडियो ख़त्म हो गया है।
स्प्लिट कॉर्नर पे इसी प्रकार के गांव या शहर के शहर तक सभी प्रकार के हाउस प्लान बनाने वीडियो हाउस प्लान के वीडियो आते हैं। तो अपने दोस्तों को भी बताइए स्प्लिट कॉर्नर के बारे में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और प्लान के साथ। स्टिल देन, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग विद स्प्लिट कॉर्नर।